डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स स्टेट लेवल एथलेटिक्स मीट का समापन रंगारंग कार्यक्रम के साथ सिंथेटिक ग्राउंड अणु में बड़ी धूमधाम के साथ हुआ। समापन कार्यक्रम में डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के संयुक्त निदेशक राकेश शर्मा मुख्य अतिथि रहे। बच्चों ने उनके स्वागत में रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए, जिसमें देशभक्ति नृत्य सत्यमेव जयते पर शानदार प्रस्तुति दी गई। डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स लेवल एथलेटिक मीट 2019 का समापन रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हुआ। सिंथेटिक ग्राउंड अणु में बड़ी ही धूमधाम के साथ आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राकेश शर्मा, संयुक्त निदेशक डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रहे। बच्चों ने उनके स्वागत में रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किया, जिसमें देशभक्ति के नृत्य सत्यमेव जयते ने भी शानदार प्रस्तुति दी। इस मौके पर मुख्य अतिथि राकेश शर्मा ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए खेलें अभिन्न अंग हैं। खेलों से सहयोग की भावना और खेल मन और मस्तिष्क को चुस्त दुरुस्त बनाता है। डीएवी की परंपराओं में विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास मुख्य केंद्रित रहता है, इसलिए डीएवी संस्थान के विद्यार्थियों को खेलों में भी मन चढ़कर भाग लिया जाता है। इस मौके पर डीएवी प्रिंसिपल विश्वास शर्मा ने विद्यार्थियों को स्पोर्ट्समैनशिप के साथ खेलने के लिए भी प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान डीएवी मंडी के प्रिंसिपल एवं एआरओ कुलदीप गुलेरिया ने विद्यार्थियों को मेहनत और चरित्र निर्माण के साथ खेलों में रुचि बढ़ाने का आह्वान किया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन लड़कों की 4x400 रिले दौड़ के मुकाबले में डीएवी हमीरपुर की रिले टीम ने प्रथम स्थान, डीएवी सुंदरनगर की टीम द्वितीय और डीएवी पालमपुर तृतीय स्थान पर रहा। वहीं लड़कियों में हमीरपुर प्रथम, डीएवी बरमाना द्वितीय और डीएवी कांगो तृतीय स्थान पर रहा। अपने शानदार प्रदर्शन से डीएवी हमीरपुर की लड़कियों और लड़कों को ओवरऑल ब्रेस्ट ट्रॉफी भी दी गई। प्रतियोगिता में डीएवी हमीरपुर की उड़नपरी बबीता ठाकुर ने अपने शानदार प्रदर्शन से लड़कियों में बेस्ट एथलीट का खिताब अपने नाम किया। वहीं डीएवी गिरोह के होनहार व तेज धावक आयुष को लड़कों में बेस्ट एथलीट का खिताब भी दिया गया।